दंतेवाड़ा जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने से नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क को पूर्ण रूप से तोड़ने और सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक स्थल और आने जाने वाले मार्गों में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बता दें कि यह अत्याधुनिक कैमरे 60 मीटर तक वीडियो कैप्चर करने में सक्षम है। वहीं इन कैमरों के लगने से पुलिस निरंतर नक्सल गतिविधियों के साथ आने जाने वाले राहगीरों और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर भी सतत निगरानी कर सकेगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर के बर्मन ने कहा कि यह कैमरे आने जाने वाले वाहनों के नंबर प्लेट को कैप्चर करने में सक्षम है, जो पुलिस को आगे की जांच और अन्य कार्यों में विशेष तौर पर सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि इन कैमरों को दंतेवाड़ा शहर के साथ साथ गीदम बचेली समेत कटे कल्याण और अरनपुर थाना क्षेत्र में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए इस प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे अत्यंत ही कारगर सिद्ध साबित होंगे। जिला दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क को पूर्ण रूप से तोड़ने एवं स्मॉल एक्शन टीम और आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के साथ साथ क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, अन्वेषण एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष स्थानों का आकलन एवं चयन कर आधुनिक पुलिसिंग एवं स्मार्ट पुलिसिंग की तर्ज पर जिला दंतेवाड़ा के सार्वजनिक स्थान एवं आने जाने वाले मार्गों पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरा एनपीआर एवं फिक्स्ड कैमरा लगाया गया है। यह कैमरा आने जाने वाले वाहनों के नंबर प्लेट कैप्चर कर नंबर स्टोर कर सकता है, जिससे कि आगे कोई भी आपराधिक गतिविधियों में विवेचना एवं पतासाजी में सहयोग मिलेगा। दंतेवाड़ा शहर के साथ साथ अन्य शहर गीदम बचेली किरंदूर कुआकोंडा कटे कल्याण बारसूर एवं अरनपुर क्षेत्र में भी ये सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके साथ साथ ही ये 15 अन्य सुरक्षा काम जैसे बोधले मालेवाही नहाड़ी पोटाली एवं अन्य सुरक्षा कैंपों में भी दो चरणों में कुल 512 कैमरा लगाए गए हैं। साथ साथ ही इनके नियंत्रण कक्ष भी थानों में स्थापित किया गया है।